पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर एक बेहद रोचक और दिलचस्प आइडिया सुझाया है। भारत पाक के बीच क्रिकेट मैच को लेकर सिद्धू के इस विचार की चौतरफा तारीफें हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत लौटने से पहले उनसे क्रिकेट मैच को लेकर कई सारी बातें की। इस बीच सिद्धू ने दोनों देशों के बीच आईसीसी और द्विपक्षीय सीरीज से बिल्कुल अलग तरह का आइडिया सुझाया। सिद्धू ने इमरान से कहा कि क्यों न आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की विजेता टीमों के बीच एक सीरीज का आयोजन कराया जाए। सिद्धू के इस विचार से इमरान खान भी काफी सहमत दिखे। वहीं पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के कोच रहे डीन जोन्स भी सिद्धू के विचार से काफी खुश हुए। सिद्धू की इस बात पर डीन जोन्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, हम आईपीएल के योद्धाओं की चुनौती को स्वीकार करते हैं। बता दें कि इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 1992 में पहली बार विश्व कप जीता था। इसके बाद इमरान ने राजनीति की तरफ रुख कर लिया और अपने दम पर तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को खड़ा किया। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की इस बात पर विचार गया तो हो सकता है आईपीएल और पीएसएल के चैंपियन के बीच बहुत जल्द एक धमाकेदार सीरीज देखने को मिल सकती है। इस सीरीज में एक तरफ जहां धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, हैदराबाद सनराइजर्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स होगी, तो वहीं दूसरी ओर पीएसएल में दो बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जर्मी जैसी बेहतरीन टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय फैंस की सबसे फेवरेट टीम महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स होगी, जिसने तीन बार आईपीएल का खिताब जीता है, तो वहीं मिसबाहुल हक के नेतृत्व वाली दो बार की पीएसएल चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड पर भी फैंस की निगाहें होंगी और दोनों टीमों के कप्तानों के बीच 11 साल बाद बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।